आना बेटा, आप स्पीकर पे फोन डालो, मेरी बात करो बाकी से। मेरे पापा आ रहे हैं, बेटे पे टेंशन मत लेना। बहुत टेंशन है, एक भी बूंद पानी की है। बेटा गाड़ी में देखो कोई बॉटल होगी उससे पानी पी लो। तो उदारियां के एपिसोड में हम देखते हैं कि रानो आरवी को घर से बाहर निकाल लिया, लेकिन अरमान रोक लेगा। भाई ये देखा ना हमने किस तरीके से यहाँ पर रानो और आरवी का कुछ तो कनेक्शन है। अनाथ आश्रम में भी रानो मिलने गई थी और यहाँ पर आसमा उसको पकड़ भी लेती है, लेकिन यहाँ सच नहीं पता लगता है। अब भाई आसमा को तो समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है दोनों के बीच। मम्मा उसमें थोड़ा सा ही पानी है। थोड़ा पानी है? आप लोग तीनों बांट के पी लो ना, थोड़ा थोड़ा प्लीज। मैं तू पी लू। नहीं तू पी। मम्मा बस पॉट नहीं बन गया ना आपके पास। आप लोग प्लीज मिलके एक दूसरे का ख्याल रखो। मम्मा क्या हुआ, बात सुन कर रहे हो? हेलो पापा। लेकिन जो रानू और आरवी है वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। यहाँ पर जो रानू है वो बोलती है कि तुम ना घर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो बहुत हंगामा हो जाएगा। और अब जो अरमान है क्योंकि बहुत ज्यादा उसको भाई मानने लगा है, तो अब रानू को बहुत टेंशन होने लगी कि कहीं ये सारी चीजें अगर बाहर आ गई। हेलो हेलो मम्मा बैठी लो, फोन ऑफ होने वाली है। हेलो भैया कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा, उन्हें चलो। तो क्या होगा? और भाई उसको तो समझ में आ ही गया है कि अगर बाहर आई सारी चीजें तो यहाँ पर जो सब रिश्ते हैं ना वो सब टूट जाएंगे। और बीच में एक पंडित जी ने बोला भी था ना आसमा से कि भाई तुम्हारे घर में कुछ बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो हो सकता है ये वही तूफान हो। और यहाँ पर रानू बोल देती है उससे कि तुम छोड़ के चले जाओ घर, लेकिन यहाँ पर अरमान रोक लेता है। अब भाई दूसरी तरफ वही देख रहे हैं कि जो आलिया है ना वो गले मिल जाती है आरवी के साथ, क्योंकि आरवी कहता है कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूं और मुझे जाना ही पड़ेगा। तो जैसे ही वो उसके गले मिल रही होती तो आसमा देख लेती है। अब आसमा बहुत आग बबूला हो जाती है। आसमा फिर उसको आलिया को बहुत डांटती भी है, उसको भड़कती भी है उसके ऊपर, और बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, तुम कैसे सोच सकती हो किसी और के संग रिलेशनशिप बनाने का। तो यहां पर आलिया बोलती है कि हां मैं गलत हूं सारी चीजें, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी जरूरत है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं उसके संग रहना चाहती हूं या उससे शादी करना चाहती हूं, लेकिन उसके संग मुझे अच्छा लगता है। और वो ना आसमा के ऊपर ये सारी चीजें छोड़ देती है। वो कहती है आसमा अब तुम देखो कि मुझे क्या करना चाहिए, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी।